नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शान। आइए देखते हैं अपने जानदार शानदार शहर मुरादाबाद की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन कि अपने शहर को स्वच्छ रखें। मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। बुधवार को कलेक्टरेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि कुंदरकी विधानसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन रिटर्निंग अधिकारी एस बड़ी ईएम प्रथम संतदास पनवार के समक्ष 18 अक्टूबर से होगा। उन्होंने बताया कि 3494 दिव्यांग मतदाता हैं। 80 वर्ष से ऊपर वालों को घर पर मतदान की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि सर्विस वोटर 205 हैं। यह ऑनलाइन पोस्टल बैलेट इन्हें भेजा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिस विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होगा वहां के स्थानीय कार्मिक मतदान की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। जमानत धनराशि सामान्य जाति के लिए ₹10,000 निर्धारित है। कुंदर की विधानसभा सामान्य है। नामांकन दाखिल करने का समय 11 बजे से 3 बजे तक कलेक्टरेट परिसर में होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि थर्ड जेंडर 13 मतदाता हैं, जबकि कुल 383,488 मतदाता हैं। मतगणना मंडी समिति में होगी। मुरादाबाद जिले की कुंदरकी सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। उपचुनाव से पहले कुंदरकी में माहौल खराब करने की साजिश की गई। इस साजिश में शामिल लोगों के नाम खुफिया विभाग ने आला अधिकारियों को सौंपे। सूत्रों का कहना है कि माहौल खराब करने वालों की लिस्ट में कुंदरकी के चेयरमैन जीनत मेहदी और उनके पति मेहदी हसन का नाम भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट मिलने के बाद अलर्ट हुए डीएम एसएसपी ने कुंदरकी में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अपनी देखरेख में दशहरा मेले का आयोजन कराया। इस मामले में कुंदरकी के चेयरमैन समेत उन सभी लोगों के खिलाफ बहुत जल्द कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मुरादाबाद के थाना कुंदरकी इलाके के नानपुर गांव के रहने वाले 19 वर्षीय आकाश की बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव बसौमी में हत्या करके लाश जमीन में दबा दी गई। आकाश यहां अपनी ननिहाल में ममेरे भाई के साथ आया था। फिलहाल पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। वहीं तहरीर का इंतजार है। मुरादाबाद में राष्ट्रीय बजरंग दल ने बहराइच की घटना के विरोध में कलेक्टरेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वालों को फांसी पर लटकाने और हिंदू धर्म यात्राओं की सुरक्षा तुरंत बढ़ाने की मांग की है। प्रदर्शन के बाद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने कहा कि आज पूरे विश्व में हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। उसका हम घोर विरोध करते हैं। संपूर्ण भारत के अंदर ही नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर हिंदू समाज असुरक्षित है। कभी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की निर्मम हत्या होती है, कभी इस देश के अंदर एक किताब को पढ़कर अगर कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ बोलती है तो सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। आपके बरेली के अंदर पारंपरिक कांवड़ यात्रा मार्ग पर लाठीचार्ज होकर और कांवड़ियों को वापस भेजा जाता है, और अब बहराइच के अंदर हिंदू शांतिपूर्ण रूप से अपनी देवी माता के मूर्ति विसर्जन की यात्रा निकाल रहा था, उसमें गोली चला दी गई। इस देश के अंदर अब हिंदुओं का रहना सुरक्षित नहीं है क्या? इस देश की सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम है क्या? मेरठ से लखनऊ जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में सर्व किए गए कीड़े वाले ब्रेकफास्ट मामले की जांच शुरू हो गई है। IRCTC ने इसे बेहद अक्षम्य कृत्य मानते हुए पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। ट्रेन में इस तरह प्रदूषित नाश्ता देकर यात्रियों के भरोसे और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ये भारतीय रेलवे की छवि को खराब करता है। वंदे भारत ट्रेन का एक वीडियो सामने आया था। ट्रेन में सोमवार को यात्रियों को जो नाश्ता परोसा गया उसमें कीड़े निकले हैं। काशीराम नगर में रामलीला व रावण दहन को रोकने पहुंची मुरादाबाद विकास प्राधिकरण टीम को नगर विधायक रितेश गुप्ता ने पहुंचकर जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि रामलीला को कैसे रोका जा सकता है, ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा प्रश्न है। उन्होंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनको पता नहीं है कि उनकी इस हरकत से शहर की फिजा खराब हो सकती है। जब प्रशासन से अनुमति ले ली गई है तो फिर प्राधिकरण से अनुमति लेने का पेंच क्यों डाला जा रहा है। नगर विधायक के उग्र तेवर देखकर वहां मौजूद प्राधिकरण की टीम जान बचाकर भागी। यहाँ पे होगा ठीक है, ये नाटक मत करो, यहाँ पे आके जाओ यहाँ से।
बिल्कुल सीधा जाओ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कौन आ रहा है? सचिव मैडम बात खराब है सचिव का तुम्हारी, वो बदतमीज से बात कर रही है और परेशान कर रही है बहुत ज्यादा। उसको बात करनी, बुलाओ सचिव को यहाँ पे, दिमाग खराब हो गया बिल्कुल। आज ध्यान रावण का हिंदुओं का द्वार खराब करोगे, अब कौन सी आप बताइए? अगर परमिशन प्रशासन की परमिशन है, अगर MDS को नहीं लिए कौन आप बताइए? जमीन उठा के लिया कोई तुम्हारी? इतनी हिम्मत हो रही है सब लोगों की? मैं तो आजाद के लिए रिक्वेस्ट की, आजाद के लिए हमें बता दो, ये आजाद के लिए रिक्वेस्ट है। चलिए यहाँ से बिल्कुल, और जिसको भेजना भेजो, क्या विधायक जी बैठे मौके पे, हटाओ जिसको हटवानी, रामलीला यहाँ से, दिमाग खराब हो गया बिल्कुल। हेलो, रामलीला नहीं होने दोगे तुम लोग? ये विधायक जी आए हैं यहाँ पे, ये लोग हटवा रहे थे कार्यक्रम है, विधायक जी यहीं पे मौके पे बुलाओ, सेकंड को यहाँ पे बुलाओ, अपने बीसी को यहाँ बुलाओ, दिमाग खराब हो गया सब लोगों का। नहीं साला, बात करने के बाद मैंने कह दिया बीसी को, उसके बाद साला यहाँ पे टीम खड़ी है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ अभी, भेजो जिसको भेजना है यहाँ पे हटवाने के लिए, रामलीला हटवाएंगे ये लोग, माहौल खराब करना चाहते हैं शहर का, क्या चाहते हैं लोग? ऑफिस में बैठ के साले जो है आदेश करते हैं यहाँ पे आके।